नीति विलेज। समुद्र तल से 3600 मीटर में बसा भारत का आखिरी गांव, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। घाटी में बसा 100 परिवार का ये गांव एक सुंदर सा गांव है, जो कभी इंडो तिब्बत ट्रेड का मुख्य रास्ता भी हुआ करता था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद वो रास्ता इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और कई अन्य कहानियों के साथ बसा ये सुंदर सा गांव, जिसे जानने मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े नीति वैली की तरफ। भैया चाय। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे ट्रिप का, यानी मेरे ट्रिप का तीसरा दिन है और हमारे भाई का दूसरा दिन है। इस समय हमें अभी नीति और नीति में सुबह के बजाय लगभग 6 बज गए हैं। और यहाँ का जो मौसम है, मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर तो मौसम हो रहा है चाय पीने वाला। आराम से बाहर बैठो और बढ़िया से यहाँ से सामने का नज़ारा लो। और सामने का जो नज़ारा है कुछ ऐसा है, सी कितनी अच्छी वैली है, मतलब बीच घाटी में ये आपका नीति वैली है और चारों तरफ पहाड़ है, तो ऐसा कुछ नज़ारा है नीति वैली का। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम और ये मेरी अपने लाइफ का सेकेंड मॉर्निंग है नीति का, तो बहुत अच्छा लग रहा है, यादगार आ गया, पुराने दिन याद आ गए। फिलहाल आज का हमारा प्लान ऐसा है, आज हम जाएंगे एक टिम्बर सैन मंदिर है यहाँ का, जिसे हम छोटा अमरनाथ भी कहते हैं, तो वो आपको वहाँ जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे और बहुत सारे लोकेशन आसपास की घूमेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो ना, पहले सब्सक्राइब कर लो। अपने बाइक पार्क करी थी ना, वो देखो वो हमारी बाइक यहाँ खड़ी है, सेफली पार्क है। ये गांव की पार्किंग यही है और यहीं सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और उसके बाद ये गांव यहाँ पे स्टार्ट होके यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा ही गांव है, लगभग ये कह लो कि 36 या 50 आसपास से घर यहाँ पर है, ज़्यादा घर नहीं है और सब बाहर ही रहते हैं, देहरादून, हल्द्वानी और आपके अलग अलग लोकेशन पे, चमोली पे, तो ऐसा कुछ है। तो फिलहाल अभी हमारा प्लान ऐसा है, फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाओगे भी क्या, नहाना करोगे ठंडे में? वही होगा ना, हाँ शिवालय में आपको पता है, ऊपर से वो आता है, पंच स्नान हो जाएगा। अच्छा हाँ, वो ऐसे थोड़ा ऐसा करो रे, मतलब वहाँ जाके हम जो उसमें से जो पानी गिरता है उससे हम नहा सकते हैं, वो स्नान हुआ एक तरीके से। तो भैया हम यहाँ नहाना धोना नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जो जहाँ हम जा रहे हैं ना मंदिर शिवालय, वहाँ पे बूंदे गिरती है पानी की, तो आप वो पानी से समझ लो कि आपने नहाने के बराबर स्नान कर लिया के बराबर होता है, अगर उसकी बूंदे आपके शरीर पे गिरती है। और पता है आपको, जब लास्ट टाइम मैं नीति आया था तो मैं कहाँ रुका था, मैं रुका था ये वाले घर पे, जरा घर दिख रहा है आपको, ये वाले घर पे रुका था। तो यहाँ जो आंटी है उनका नाम है गुलाबी देवी, तो एक बार ट्राई करता हूँ गुलाबी देवी आंटी से मिल के आता, अगर वो अगर वहाँ पे होंगे तो, क्योंकि लास्ट टाइम मैं उनसे मिल के गया था, बहुत सारी बातें करी थी आंटी से, तो मैं सोचा एक बार आंटी से मिल के आऊँ। तो चलते हैं। चाय तो मैंने नहीं पी है, जा ट्राई तो करेंगे ना, 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 ना। क्यों, चाय होती है वो, चाय कहाँ हुई, जा चाय हुई क्या हुई, चाय नमक वाली चाय, नमकीन चाय, हाँ पी सकते हैं नमकीन। मैं सोचा था वो जो क्या कहते हैं अपना बंदी है, जान सोचा था मैं, तब मैंने मना कर दिया। तो जो यहाँ की पहाड़ी चाय होती है उसे कहते हैं जा, ये तो बनती है, किस चीज से बनती है, मतलब बॉर्डर एरिया पे ही मिलेगा, बॉर्डर मतलब ऐसा कह लो कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ बर्फ गिरती है ऊपर, वैसे इलाकों में बनाई जाती है, क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत गर्म होती है नमकीन चाय। जैसे हम जाते हैं, अगर आप लद्दाख करोगे, लद्दाख में आपको कावा मिलती है, और कावा बनती है बादाम और बहुत सारे अलग अलग चीज़, मतलब बादाम का टेस्ट उसमें बहुत आता है, बहुत अलग अलग चीज़ों का बनता है, मुझे भी नहीं पता किस चीज़, लेकिन बादाम इसलिए आती है क्योंकि बादाम का टेस्ट बहुत मुँह में आता है, तो वैसे ही यहाँ भी जा आती है। अभी देखेंगे आपको बना दे, आप बना रहे हो आंटी अभी, जा चलो हम देखते हैं जा कैसे बनती है। चाय बनाने के लिए ना सबसे पहले इस्तेमाल होता है ये होता है बम्बू का, आंटी बम्बू का बांस बम्बू, और इसमें डलती है नमक, आंटी ने डाल दी नमक, इसमें घी डालते हैं। जैसे अगर 3 कप बनाएंगे 4 कप बनाएंगे तो कितना घी पड़ेगा उसमें, 1 चम्मच। ये रंडी होती है फिर इससे फेटते हैं इसको,
काय पत्ती पका लेते हैं गरम करके, और पानी खूब पकाते हैं। अच्छा देखो, छान के इसके अंदर डाल दिया। भैया आज नोमैडिक चैनल में, नोमैडिक दुकान पे आपको चाय बनाना सिखाएंगे, और आज ये फूड चैनल बन गया हमारा, खाने पीने की चीजें दिखाएंगे फूड चैनल पे। देखो अभी ये पूरा चाय पूरा उबालते हैं बढ़िया करके, मोटी चाय पत्ती, उसके बाद फिर इसको छानते हैं। छानने के बाद इसमें नमक घी, बस नमक घी और चाय, बस ये डाल के पूरा अच्छे से फेंट देते हैं इसको, और बन जाती है हमारी जा। जिसे बाहर नहीं आता पानी, बाहर भी आता जो नहीं जानते। अच्छा कुछ और भी मतलब इसमें कुछ लगा होता है क्या अंदर से? ये डंडी पे हरा होता है। हरा बोले तो? अच्छा तो ये पंप करता है ऊपर नीचे इसको। अमित भाई आओ, जा पियोगे? बन गई? हाँ बड़े जल्दी बन गई यार। पानी उबाला, चाय पत्ती डाली, घी डाला, नमक डाला, बन गया। अरे कैसा लगेगा टेस्ट करके बता। पहली बार मतलब लाइफ में पहली बार जा पीऊंगा, मैंने लास्ट टाइम आया था उस टाइम भी नहीं पी थी, अब मुझे पता नहीं लगी टेस्ट है मेरे जा, मतलब मैंने सोचा कि वो होती है दारू जो पहाड़ी दारू होती है, वो सोचा था, वो दूसरा होता है, वो अलग चीज़ है, जा पियेंगे। आंटी के हाथ की चाय और सत्तू खाने के बाद मैं चल दिया नीति वैली के भ्रमण के लिए। लास्ट टाइम तो कुछ घूम नहीं पाया, तो सोचा इस बार कुछ घूम के आपको नज़ारे दिखाते हैं यहाँ के। तो फिर मैं निकल गया नीति वैली के इस गांव के अंदर। जा पीने के बाद अब यहाँ से निकलता हूँ मैं नीचे की तरफ, अपने जो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आपको गांव भी दिखाता हूँ कि गांव में कहाँ पर क्या है करके। तो यहीं से जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो एंट्री में ही अलग घर आ जाता है, मतलब यहीं से पहली गली आंटी का घर है, यानी हमारे डीडी भाई का। और उसके बाद फिर आगे वहाँ से जाते हैं पीछे को, जहाँ स्कूल भी है और आपके मंदिर भी है और पुराने पुराने घर और भी देखने के लिए हैं। तो पहले नीचे उतरते हैं, यहीं से चलते हैं, शॉर्टकट रास्ता, ये भी एक रास्ता है। तो गांव में रास्ते ऐसे होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले पगडंडी वाले रास्ते, जैसे जिन घर में कोई नहीं रहता ना, वो क्या करते अपने घर में ऐसे ताला लगा देते हैं, तो ये सील कर दिया है सब, ये सील पूरा करके यहाँ से फिर अपने जहाँ मतलब जहाँ रहते हैं, मान लो जैसे कोई जोशीमठ रहता है, कोई अलग देहरादून रहता है, दिल्ली रहता है, सब अलग अलग अपने वहाँ चले जाते हैं, और इस तरीके से ताला वगैरह लगा के छोड़ जाते हैं। चोरी होने का कोई डर नहीं होता, तो क्योंकि सब गाँव के लोग हैं, बाहर कोई आता नहीं है यहाँ, तो गाँव में वैसे भी कहीं चोरी नहीं होती पहली बात। और फिर कितने पुराने मकान हैं, कोई नहीं रहता, ताला लगे यहाँ भी, यहाँ सब देखो ज़्यादातर लोग तो यहाँ रहते नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं, और सब पुराने पुराने घर हैं। तो मेरे को ये गली से निकलना पड़ेगा बाहर, निकल गया। एक होम स्टे नया बन रहा है, तो ऐसे तो लास्ट टाइम जब मैं रुका था ना, तब मैं रुका था यहाँ जाले घर पे, और ये था बहुत पुराना घर, बड़ा अच्छा सा पेंट करके, दोबारा इसको पेंट करके बढ़िया सा बनाया था। तो फाइनली कितने सालों बाद मैं दोबारा यहाँ आया हूँ, मतलब 2 साल बाद, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो यहाँ रुके थे हम, अभी तो ताला लगा है, शायद आंटी लोग कहीं गए होंगे, हो रही हमारी गुलाबी आंटी, गुलाबी देवी आंटी, कैसे हो, कैसे हो आंटी आप? मैं नैनीताल से, 2 साल पहले रुका था आपके पास। आज ये माँ का लोग रुके थे। अच्छा अभी बन नैनीताल आ गए, आपने पहचाना नहीं? पहचाना, नैनीताल के 3 लड़के आए थे आपके वहाँ। अकेला आया? नहीं, एक और दोस्त है वहाँ का, गोपे सर का। हाँ लिया है ना? हाँ देखो आंटी पहचान गई हमको, नैनीताल से 3 लड़के आए थे। तो ये आंटी अगर अभी भजन वगैरह बजा रखे आंटी ने, और भी दिखाते हैं गाँव में और कहाँ पर क्या है। होने को तो 100 से ऊपर घर है, लेकिन रहने वाले कम लोग हैं। जैसे ये है, ये भी बंद पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता है, इस तरीके से।
अगर आप नीति वैली के अंदर आएंगे ना, तो नीति वैली में आपको नीति गांव में हर जगह होम स्टे मिल जाएंगे। यानी लगभग यहाँ जो भी बिजनेस है लोगों का, वो होम स्टे, जैसे लास्ट टाइम ये नहीं हुआ था, अभी ये नया बन गया है होम स्टे, ठीक है। ऐसे बहुत अलग अलग मतलब 50-60 होम स्टे यहाँ पर हैं, तो हर कोई होम स्टे भी यहाँ चला रहा है। तो फैसिलिटी आपको रहने की सारी मिल जाएगी, रहने में कोई ऐसा नहीं कि आपको परेशानी होगी, कहीं भी आप जाओगे रहने की व्यवस्था सारी है। चार्ज जो रहता है होम स्टे का वो लगभग 500 रुपये पर रूम रहता है, जहाँ तक मुझे लगता है 500 रुपये रूम के हिसाब से एक होम स्टे का चार्ज रहता है। बाकी खाने पीने का जो होता है वो अलग होता है, उसमें खाने पीने का क्या आप खा रहे हो, जो आप खाओगे उस हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। नमस्ते आंटी, कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? खेत में। अच्छा भाई, यहाँ खेत भी है, जो खेत आपको आगे की तरफ जो आपने ड्रोन शॉट के अंदर देखे थे वो खेत यहाँ के हैं, नीति गांव के। तो मैं आ गया हूँ नीति के देवी माँ के मंदिर पे। तो ये गांव का मेन बेसिकली ये मंदिर जो है यही मंदिर है, तो ये माता भगवती का मंदिर है और यहाँ बैठ के पूजा वगैरह जो होती है सारी यहीं पे होती है। और उसके बगल में देखो पुराना सा एक मकान है, बहुत ही पुराना सा। और आपको ये देखो आइबेक्स की जो आइबेक्स होता है जानवर, उसका ये सिंह इस पर लगा रखा है। मुझे तो इस गांव का सबसे पुराना मकान यही दिख रहा है, एकदम खंडर हुआ है, काले इसकी लकड़ियाँ पड़ी है, वरना जो पेंट करने वाले होते हैं ना उनमें हल्का का पेंट रहता है, लेकिन इस पर कहीं भी पेंट नहीं है, पुराना बहुत पुराना, जैसे विंटेज सा है। देखो इसकी लकड़ियाँ भी एकदम नकाशी कितनी प्यारी कर रखी है ना। हमारे पहाड़ों के अंदर एक खास बात ये ना, हमारे पहाड़ों में नकाशी जो होती है ना हाथों से करी होती है, और पूरे जो मोटे मोटे गट्टे होते हैं लकड़ियों के, उसमें पूरी एक बार में नकाशी करके डिज़ाइन करा जाता है। और देखो कितने बड़े बड़े गट्टे लगे होते हैं हमारे पहाड़ में, सब जगह ये चीज़ आपको देखने मिल जाता है। पुराने घर जो होंगे, पुराने घरों में आज भी, जैसे मेरा जो पुराना घर है वहाँ भी तो लकड़ियों के गट्टों का डिज़ाइन बना रखा है, और उसी में फिर पेंट करते हैं, पेंट करते 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 फिर उसका ना मोटी पपड़ी बन जाती है, पेंटर वाले जैसे मकान बनाते हैं। ये शायद इसमें कहीं पेंट नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल भी एकदम नेचुरल बना हुआ है, देखो बिल्कुल भी इसमें कहीं भी आपको पेंट नहीं दिखेगा, तभी एकदम तभी ये विंटेज सा लग भी रहा है। तो चलो भाई अभी तो नीचे उतरते हैं, उसके बाद हमको जाना है नीचे मंदिर की तरफ, भोलेनाथ जी के मंदिर पे तैयार होते जल्दी से, उसके बाद चलते हैं नीचे को पैकिंग वगैरह करके अपना, फिर घमचाली से फिर नीचे जाते रहेंगे। आज हमको गोपेश्वर पहुँचना है शाम तक, टाइम हमारे पास बहुत है, लेकिन बीच में ना हमारे पास एक लोकेशन और कवर करना है जो है आपका भविष्य बद्री। तो यहाँ से पूजा पाठ करके मंदिर में फिर आगे बढ़ते हैं भविष्य बद्री के लिए। और आज का प्लान ऐसा है ना, आज हम रास्ते में, आज आपको धूप मिल गई है, कल तो धूप नहीं थी तो उस चक्कर से हमने ड्रोन नहीं उड़ा पाए थे, अब धूप मिल जाएगी हमको तो हम ड्रोन अपना उड़ाएंगे, आज अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट दिखाएंगे। एक ड्रोन शॉट मैंने आपको सुबह दिखा दिया यहाँ का, अब बाकी बाद में दिखाएंगे। पीछे का व्यू, पीछे से यहाँ पूरा नीति वैली की दिखता है, मतलब नीति गांव पूरा दिख जाता है। तो यह है नीति गांव यहाँ का।